ये देखो क्या सीक्रेट वाटरफॉल। तो फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गैंगस्टर कैफे में। इधर है वड़ा पाव तीखा वाला और यहाँ पे है मिसल पाव। तो ये मेरी रोड ट्रिप की दूसरी ब्लॉग है। आई होप कि आपने पिछली वाली ब्लॉग देख ली है जो कि देवकुंड फॉल्स की थी। ये जो रोड ट्रिप हमने प्लान करी है ये वाटरफॉल्स देखने के लिए प्लान करा है हमने, जिसमें से एक वाटरफॉल तो हमारा हो गया है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। और आज हम जा रहे हैं दूसरा वाटरफॉल देखने, कुंभे वाटरफॉल। तो अभी आपको लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा था कि हम देवकुंड वाटरफॉल के पास ही अपने स्टे रखा था। तो अभी यहाँ से सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके मस्त निकल गए गैंगस्टर कैफे से। तो देवकुंड वाटरफॉल से जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से जो कुंभे फॉल्स है वो तकरीबन 23-25 किलोमीटर है और जबरदस्त वेदर है। तो कल भी पूरे टाइम यहाँ पे बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है। और मेरे साथ है मेरा पूरा गैंग, मिलन, रुपेश, अभिजीत, दिव्यराज एंड राणा जी। या बहुत परफेक्ट चल रही है अब तक, तो बहुत मजा आ रहा है। बिना स्किप किए ब्लॉग को देखो, बहुत मजे आएंगे आपको। हमें तो आ ही रहे। क्या प्यारा रास्ता है, इधर देखो, इधर देखो, वाओ वाओ, बहुत मजा आ रहा है। फुल एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। अगर इसी तरह से एंजॉय करना है, मॉनसून का मजा लेना है, तो घर से निकलना पड़ेगा ना मेरी जान। चलो भाई, बस किधर जा रहे हो? बस इधर ही जाना। चलो जाओ। तो रास्ता बहुत ही सीनिक है और हम लोग छोटे छोटे विलेजेस होके निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के छोटे छोटे विलेजेस है, पता नहीं इसका कोई तो कुछ तो नाम था, माउली या कुछ तो नाम है। और ये चाच विलेज। हाँ, चाच विलेज की चाची थी, चाचा के साथ जा रही थी। तो बहुत ही छोटा सा विलेज है ये जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ एयरटेल और जियो का ही नेटवर्क मिलेगा। मेरा वोडाफोन अभी बंद हो गया है, जियो का सिर्फ लेके में आया नहीं हूँ। और इधर देखो कितना प्यारा रास्ता है ये देखो, और इतने ही प्यारे ये लोग, क्या बात। और ऐसे जो नज़ारे हैं वो आपको मानसून के टाइम पे ही दिखेंगे। तो उधर सामने से भी वाटरफॉल्स निकल रहे हैं, इधर से भी, मजे है यार। अब देखो रास्ते पे, और हमने जो रूट लिया है ये हम अंदर अंदर से जा रहे हैं और कोई भी नहीं है रास्ते में, एकदम फुल सन्नाटा है, कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है इधर। मुझे डर लगता था दिल के अंजाम से, डर लगता था इश्क के नाम से, डर लगता था दिल के अंजाम से, डर लगता था। अभी हम इस वाले केव से होके अंदर जाएंगे और आगे ही इधर कुंभे वाटरफॉल है। तो रोड जो है वहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर का अच्छा था, बाकी जो 10-12 किलोमीटर का जो रूट है वो थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा खराब रोड है। सो नाउ वी आर एंटरिंग दिस केव। भैया बाहर निकल गए हम, तकरीबन 500 मीटर का केव था, मजा आया। केव क्रॉस करते ही, केव या टनल जो भी बोल लो, वो क्रॉस करते ही यहाँ वक्त और जज्बात दोनों बदल गए हैं। देखो अचानक से कितना फॉग यहाँ पे आ गया है और हम लोग कुंभे वाटरफॉल पहुँच गए हैं। बस ये हम लोग रास्ता फिगर आउट कर रहे हैं कि हमारे को किधर से जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जिससे हम पूछ सकें। हम कुंभे वाटरफॉल के पास पहुँच तो गए हैं लेकिन यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। कोई इधर 3-4 व्यू पॉइंट है यहाँ पे, बट अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना फॉग है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अभी कुछ लोग इधर से आ रहे थे तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आगे। बारिश वापस से शुरू हो गई है ज़ोरदार, रेनकोट तो है बट डालना नहीं है मुझे। देखो भाई यहाँ पे तो हम सारे यहाँ पे पहुँच तो गए हैं लेकिन दिक्कत ये कि फॉग ने पूरा चक्का जाम कर दिया विजन का, तो फॉग की वजह से यहाँ पूरा चक्का जाम हो गया है और व्यू पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं मे बी यहाँ से वाटरफॉल दिखता होगा सामने, लेकिन फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन आई होप कि यही व्यू पॉइंट हो, क्योंकि बाकी यहाँ पे कोई भी लोकल दिख नहीं रहा है जिससे हम पूछे, बाकी सब मेरी हमारी तरह टूरिस्ट ही है।
क्या जबरदस्त वाटरफॉल लग रहा है, सुपर ऑसम। इस वाटरफॉल को आप दूर से ही देख सकते हो, नज़दीक नहीं जा सकते इसके, जैसे कि हम देवकुंड में नज़दीक गए थे वो वहाँ पे बस आप नज़दीक से इसको नहीं देख सकते। ये पूरा वैली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ओहो, जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा फॉग था, ऐसा लग रहा था कि ये क्लियर नहीं होगा और हमने अपना प्लान भी एक्टिव कर भी लिया था, सडनली फॉग क्लियर हो गया। दिस इज सुपर अमेजिंग। तो आप इस वाटरफॉल को मिस नहीं कर सकते। आप तो आपने खुद देख लिया ये कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और बहुत ही लेस क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड आपको नहीं मिलेगा, आप कभी भी आ सकते हो। बढ़िया एकदम। तुझे देखा तो ये जाना सनम का तमिल वर्जन है ये। अभी जहाँ से मैंने आपको वाटरफॉल दिखाया है वो एग्जैक्ट वहाँ अपोजिट सामने हम खड़े थे, अभी वापस से फॉग आ गया है। ये वो जगह जहाँ से कुंभे फॉल्स ड्रॉप होती है, तो ये बहुत ही डेंजरस है भाई। अगर कोई यहाँ पे नहाना वहाना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई यहाँ पे आ गया ना वो सीधा नीचे जाएगा उसके बाद ऊपर। और जिस व्यू पॉइंट पे हम खड़े थे अभी जो कि सामने है, वो वही व्यू पॉइंट, लकीली वही व्यू पॉइंट मेन व्यू पॉइंट है जहाँ से एकदम शानदार व्यू आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल लंच के लिए रुके हैं और सामने क्या जोरदार व्यू है। तो आपको ऐसे ऐसे ढाबे रास्ते में मिल जाएंगे बहुत सारे, और बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट जो आप सोचोगे वैसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, नॉर्मल से ढाबे मिलेंगे जहाँ पे खाना बढ़िया मिल जाएगा आपको। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे 200 का एंट्री फी है और यहाँ से हम जाने वाले हैं सीक्रेट वाटरफॉल। तो 200 की जो एंट्री फी है सीक्रेट वाटरफॉल के लिए, इसमें ये लाइफ जैकेट वगैरह भी देते हैं ताकि आप वहाँ पे आराम से स्विम कर सको। तो यहाँ से 15-20 मिनट का ट्रैक है, तो अभी हम निकलेंगे वहाँ के लिए और ऊपर में इनके लाइफ गार्ड्स भी होंगे टू रेस्क्यू, या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो देख लेंगे। तो ये रहा सीक्रेट वाटरफॉल, तो अभी इसमें जाएंगे हम। ये भी थोड़ी देर में बंद होने वाला है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, तो फटाफट से हम जाते हैं, हमारे पास सिर्फ आधा एक घंटा ही है। तो ये रहा सीक्रेट वाटरफॉल और यहाँ पे सारे लोग ऊपर से जंप कर रहे हैं। ये वो जो सामने आने वाला वो है दिव्यराज। तो मैं अभी इसमें जंप नहीं लगाने वाला, मैं इधर ही मजे ले रहा हूँ। जंप लगाएगा ये, झूठ बोल रहा है। नहीं लगाऊंगा। आ गया रुपेश। ओ रुपेश कूद जाओ भाई, कूद जाओ बस। कहाँ गया भाई मेरा भाई, कहाँ गया? आ जाओ भाई, जिंदा हो, जिंदा हो, बच गए। तो आज हमने दो वाटरफॉल कवर किए, एक कुंभे वाटरफॉल, एक सीक्रेट वाटरफॉल। तो हमने तो देवकुंड वाटरफॉल के पास स्टे किया था, तो वहाँ से कुंभे वाटरफॉल और ये एकदम पास में था। लेकिन अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली कुंभे वाटरफॉल और ये सीक्रेट वाटरफॉल कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप देवकुंड जा रहे हो तो भी देवकुंड में स्टे कर लेना, वहाँ से फिर आप यहाँ पे आ सकते हो जैसे हमने किया है। आज का भी दिन फुल ऑन एंजॉय किया हमने। इस व्लॉग में बस इतना ही, सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। I'm gonna be happy.